हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये भालू फेस वाली राखी बनाना बताऊंगी। बहुत ही सिंपल क्रोशेटिंग है इसकी। आप इसको कलरफुल यान से बनाएं चाहे थ्रेड से बनाएं, ये दोनों ही धागों में अच्छी लगती है। अगर थ्रेड से बनाएं तो थोड़ा मोटा कॉटन थ्रेड यूज़ करें, और अगर यान से बनाएं तो ये इस तरीके का लुक आएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस राखी के लिए मैं ये दो कलर यूज़ कर रही हूँ। जितना कलरफुल रहे राखी उतना अच्छा लगता है। सबसे पहले हम इस तरीके से यान को लपेटेंगे उंगली पे और ये रिंग बनाएंगे, रिंग सर्कल सा, और चेन थ्री, 1, 2 एंड 3। अब इस रिंग में हम 11 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 धागा लिया, रिंग में इस तरीके से हुक से पुल किया, 2, इसको डबल क्रोशेट बोलते हैं, 2 डबल क्रोशेट बना चुकी हूँ मैं, 3, 4, 5, 10 एंड 11। तो 11 डबल क्रोशेट बनाने के बाद इस धागे को पुल करके रिंग छोटा कर लेंगे, और अब इस राउंड को फिनिश करने के लिए स्टार्टिंग की चेन के टॉप से हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। सेकंड राउंड के लिए चेन थ्री बनाएंगे, 1, 2 एंड 3 धागा लेंगे, और इसी सेम जगह इसी चेन में, मतलब जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बनाई है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट हो गए एक तरह से। धागा लेंगे और अब इस नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 2 चेन में जाएंगे उसमें 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। हमें हर चेन में 2 डबल क्रोशेट बनाते जाना है। ये देखिए हर चेन में मैंने 2 बनाए हैं। धागा लेंगे, अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर से 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 एंड 2। नेक्स्ट चेन, 1 एंड 2। तो इस तरीके से 2 डबल क्रोशेट इस पूरे राउंड में हम हर चेन में बनाते जाएंगे। लास्ट की चेन में 2 डबल क्रोशेट बनाने के बाद हम स्टार्टिंग की चेन के टॉप से इसको जॉइंट करके राउंड स्लिप स्टिच बना के राउंड को फिनिश करेंगे। ये इस तरीके से नज़र आएगा। अब हम यहाँ पे कान बनाने के लिए धागा लेंगे और चेन 1 और 2 सेकंड चेन में, 1 को हम छोड़ देंगे और सेकंड चेन में इस तरीके से डबल क्रोशेट बनाएंगे सेम जगह पे, इसी सेम चेन में और भी बनाएंगे हम सेकंड डबल क्रोशेट, 3, 4। मैं सेम जगह पे डबल क्रोशेट बना रही हूँ, 5, 6 एंड 7। 7 डबल क्रोशेट बनाने के बाद इस सेम चेन में इसको जॉइंट करेंगे, फिनिश करेंगे राउंड को। ये चेन छोड़ के सेकंड चेन में इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारा एक कान ईयर रेडी हो गया है। इस स्लिप स्टिच के बाद हम आगे भी स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1
टू और ये थर्ड चेन में थ्री। थ्री स्लिप स्टिच बनाने के बाद धागा लेंगे और सेकंड ईयर बनाएंगे, वन और टू सेकंड में। ये फर्स्ट चेन छोड़ के सेकंड चेन में डबल क्रोशेट, अगेन सेवन डबल क्रोशेट, वन सेम जगह पे टू। सेवन डबल क्रोशेट बनाने के बाद इसको जॉइंट करेंगे, फर्स्ट चेन को छोड़ के सेकेंड चेन में स्लिप स्टिच बना के फिनिश हो जाएगा ये राउंड हमारा कान बनाने वाला। अब हर चेन में आगे की हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच ज़्यादा टाइट ना बनाएं, वरना ये राउंड जो है, ये एरिया जो है खिंच जाएगा। तो इसको ऐसे लंबा करके लूप को तब आगे बढ़ते जाएं, ये इस तरीके से कॉर्नर पे आके यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच लास्ट बनाऊंगी और इसको कट करके फिनिश करेंगे। अब हम यहाँ पे इसके लिए इसका मुंह बनाएंगे। मुंह बनाने के लिए मैं ये ब्राइट येलो कलर ले रही हूँ। इसके लिए भी हम सेम स्टार्टिंग वाला मेथड अपनाएंगे जो हमने फेस के लिए किया था। चेन थ्री रिंग बनाने के बाद और इस रिंग में 12 डबल क्रोशेट बनाएंगे, वन सॉरी 11 डबल क्रोशेट बनाएंगे, टू। तो इस तरीके से हम 11 डबल क्रोशेट इस रिंग में बना लेंगे, 10 और ये 11। 11 डबल क्रोशेट बनाने के बाद इसको भी स्टार्टिंग के चेन के टॉप से फिनिश करेंगे इस तरीके से। और इस धागे को थोड़ा लंबा कट कर लेते हैं। इस धागे को हम बैक में ले जाके फिनिश कर लेंगे। इस मुंह के लिए सिर्फ एक ही राउंड बनाना है, फेस में तो हमने दो राउंड बनाए थे सर्कल के। ये इस तरीके से फेस बन गया है, मुंह बन गया है। इस मुंह पे हम अब ब्लैक धागे से थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी करेंगे, उसका कट बनाएंगे बियर का। नीडल में ब्लैक धागा डाल के अब यहाँ पे छोटी सी एम्ब्रॉयडरी करनी है हमें। सेंटर से धागे को ऊपर लाएंगे और यहाँ पे एक धागे को पकड़ते हुए इस तरीके से इस पर धागा लपेटेंगे। ये जो जॉइंट है यहाँ पे होल पे उसको लपेटेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, ओनली फाइव टाइम। और फिर इसको ऐसे पकड़ के पुल करेंगे, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसको यहाँ जॉइंट करेंगे, फिर से सेंटर से डल को निकालेंगे। थ्री टाइम्स करना है हमें ऐसा। वन टू थ्री टाइम्स बनाने के बाद अब हम यहाँ पे निडल को इस तरीके से ऐसे कर लेंगे और फिर इसके बाद इधर से इधर और इस साइड से ऐसे, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब इन धागों को हम फिनिश कर लेंगे। आप चाहें तो इसी धागे से इसको जॉइंट भी कर सकते हैं।
इस तरीके से ये किनारी नज़र आनी चाहिए और ऊपर ये हाफ सर्कल भी हाफ नज़र आना चाहिए। इस तरीके से इसको अटैच करें। नीडल से भी कर सकते हैं, मैं क्रोशिया की हेल्प से ही कर रही हूँ। इस तरीके से मैं इसको पूरे सर्कल को अटैच कर लूँगी किनारे से। ये मैंने इसको कम्प्लीटली सीव कर लिया है। अब मैं आइज़ बनाने के लिए फिर से ब्लैक धागा लूँगी। इतना सा धागा लेके और इसमें नॉट लगाऊंगी इस तरीके से। 1, 2, एक के ऊपर एक लगनी चाहिए नॉट, 3 एंड 4। 4 टाइम्स इस तरीके से बनाने के बाद ये जो होल दिख रहा है कान वाला, इसके जस्ट इस तरफ पास में ही इन दोनों धागों को मैं नीचे पुल कर लूँगी। ब्लैक वाले दोनों धागों को नीचे पुल कर लूँगी। इस तरीके से, और अब इसको पीछे नॉट लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी आइज बना लेंगे। दोनों आइज बनाने के बाद अब हम इसके लिए स्ट्रिंग बनाएंगे। मैं येलो कलर से ही बनाऊंगी। इसके कान के इस तरफ एकदम बॉटम पे, बॉटम एरिया पे यहाँ पे स्ट्रिंग बनाएंगे। इस साइड भी सेम स्ट्रिंग बना लेंगे। यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। आप इसे इसको बनाने के लिए कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। कलरफुल राखी ही अच्छी लगती है। ज़रूरी नहीं है कि बियर की तरह कलर ही लिया जाए। ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन, कॉफ़ी, कलरफुल बनाएं, अच्छी लगेंगी आपको राखियाँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।